गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा, हम सेवन्थ क्लास की संस्कृत में का 11वां चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, लोभेन पाप शंका। लोभ के कारण से पाप, मतलब पाप मन में शंका करना या पाप करना, उसी का चैप्टर है जो स्टार्ट होगा। मतलब लोभ मतलब क्या होता है? लालच। हम क्या करते हैं, लालच वश में आ करके कई ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। मनुष्य का लालच ऐसा है जो कि हमेशा हमको जरूरी नहीं गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, पर लालच ऐसा है कि गलत कार्य कर ही देते हैं हम। लालच बस कई झूठ बोल देते हैं, कई ऐसे गलत कार्य को कर देते हैं। जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा बेटा, यह एक गरीब बूढ़ी और बूढ़े व्यक्ति की कहानी है, जिसमें लालच, एक उसमें लालची रहता है और एक लालची नहीं रहता है। इससे संबंधित ये आपके चैप्टर में कहानी है जो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम क्या पढ़ लेंगे बेटा, हम इसमें डिफिकल्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। डिफिकल्ट वर्ड में जो ये शब्दार्थ रहते हैं, इसमें डिफिकल्ट मतलब कठिन शब्द, इसके द्वारा हमको चैप्टर को समझने में और एक्सप्लेन करने में क्या होती है बेटा, सहायता प्राप्त होती है ना। तो जैसे समुद्रस्यो कंठम, मतलब समुद्र के किनारे। मत्स्यजीवी मछुआरा, मतलब मछुआरे लोग मछली पकड़ कर अपना जीवन यापन करते हैं ना। आप सुने हो के कई नदियों में मछली पकड़ते हैं, फिर उसको बेचते हैं, जिसके द्वारा उनका जीवन चलता है। कलह प्रिया मतलब होता है झगड़ा करने वाली। जाल फैलाकर मतलब क्या होता है, बड़ा सा जाल रहता है जिसको फैलाकर नदी में फेंकते हैं, फिर उन लोग खींचते हैं जिसने मछली पकड़ते हैं उन लोग। प्रयत्न मानो अपि मतलब होता है प्रयत्न करने पर भी। नरवाल्यम मतलब होता है मनुष्य की आवाज़ में, दूसरा व्यक्ति जो मछली रहती है वो मनुष्य की आवाज़ में बोलती है। मनोविलास मतलब होता है मन की इच्छा को, यानी कोई भी पूर्ति कर सकती है। मृषावादिन मतलब होता है झूठ कहने वाला। जल विथूसी मतलब होता है पानी की लहरों में। और कंठस्य मतलब होता है काष्ठस्य मतलब होता है लकड़ी की। निर्भत्सना मतलब होता है उलहना पूर्वक। निवास गृह मिच्छति मतलब होता है कि तुम्हारी निवास गृह मिच्छति मतलब है रहने को घर चाहती है। धनिक स्त्रीवत मतलब होता है सेठानी की तरह। त्वय इच्छा मतलब होता है तुम्हारी अभिलाषा। मदमान गर्विता मतलब होता है अहंकार, घमंड, घमंड में आ जाते हैं ना कभी कभी हम। महारागी मतलब होता है महारानी को। गभीरे मतलब होता है गहरे जल, गभीरे जले मतलब होता है बहुत गहरे जल में क्या करते हैं, समुद्र में मछुआरे लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं और वहाँ से मछली पकड़ कर ला करके उसको बेचते हैं, फिर उसके द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। प्रतीक्ष माणो मतलब होता है प्रतीक्षा करके। और विमना मतलब होता है दुखी मन वाली, मतलब मन में दुखी होना। उसके बाद हम बेटा, ये हमने डिफिकल्ट वर्ड पढ़ा, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, इसके बाद में हम ये भी करेंगे, उसके बाद में हम ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे, ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारी चैप्टर का स्टार्ट होता है, हमारी कहानी स्टार्ट होती है। देखो, प्राचीन काल में समुद्रस्यो पखंडम, समुद्र के किनारे। उटजम यानि झोपड़ी बनाकर निर्माय वृद्धस्य कोऽपि मत्स्यजीवी निवसत। वहाँ पर यानि एक बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी महिला रहती थी और दोनों वृद्ध थे और मत्स्य यानि मछुआरे का जीवन जीते थे, वहाँ रहते थे समुद्र के किनारे झोपड़ी बनाकर, यानि गरीब थे, झोपड़ी बनाकर दोनों मत्स्य का जीवन जीते थे, मतलब मछली पकड़ करके उसको बेचते थे, फिर उसके बाद में उससे के द्वारा अपना जीवन यापन किया करते थे। निर्वधनों अपि असौ वृद्धचा आतीव, जो निर्धन था, जो बूढ़ा था, वो बहुत सरल स्वभाव का था। अतीव सरल दयालु चासीद, वह बहुत सरल दयालु का सरल स्वभाव का था और उसके साथ में उसके मन में दयालुता की भी भावना थी।
किंतु तस्या भार्या कलह प्रिया, परंतु जो उसकी पत्नी थी ना, वो हमेशा झगड़ा करती थी, गरीबी में रहना पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा लोभी थी, लालची थी, लोभा कृष्ट चेता तथा कठोरा चासित। वह कैसी थी? बहुत लोभी थी और बहुत कठोर स्वभाव की थी, यानी उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वृद्ध प्रातरभ्य साय यावत समुद्रे जालम प्रसाय। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या करता था कि जाता था और शाम के समय, सुबह भी या कभी शाम के समय, सुबह शाम दोनों समय, शाम के समय जाता था और जाल को बहुत दूर तक के फैलाता था। फिर उसके बाद उससे मछलियां पकड़ता था, मत्स्यान ग्रहण तान विक्रय। फिर पूरी मछलियों को पकड़ करके वह घर लाता था और घर लाने के बाद में विक्रय सोमंदर सोय दरम पालयती इसम। उसके बाद में उसको बेचता था, विक्रय भरता होता है बेचना, बेचता था और फिर मतलब उसके द्वारा ही अपना पालन पोषण दोनों किया करते थे। वृद्धा व्यचरत अयम वृद्ध शत्रुआ नृतवान कार्यम न करोति। एक बार बूढ़े ने विचार किया कि मैं अब इस कार्य को नहीं करूँगा, इस कार्य को निरंतर तौर पर नहीं कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। इत्यम सा नित्यम वृद्धेन कलह माना चावत। उसने क्या किया, ऐसी बातें अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस कार्य को नहीं करूँगा और अब अपन दूसरे तरीके से पालन पोषण, यानी अपन दूसरे तरीके से ही पालन पोषण करेंगे, यानी अपना दूसरे तरीके से जीवन यापन करेंगे। परंतु उसकी पत्नी थी जो वह कैसी थी, रुष्ट हो गई और घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी, घर में कलह पैदा कर दी। एकदा वृद्ध प्रयत्मानो कपि कमपि न प्राप्ते। एक बार क्या होता है कि एक ये बूढ़ा जाता है और जाल बिछा करके फेंकता, परंतु उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सव्याचरत वृद्धा कलह करिष्यति। अब उसने क्या विचार किया कि यदि अगर मैं कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगा तो जो वो है ना मेरी भारिया पत्नी, वो घर में बहुत कलह करेगी, लड़ाई करेगी। यावत ईश्वरम संस्मृतम। ऐसा सोचते उसने क्या किया, भगवान को याद किया और वह जाल को फैला दिया। स जालम प्रसारयति यावत। उसने क्या किया, जाल को फैला दिया चारों। स स्वर्णमयी मत्स्य प्राप्त होती। उससे उसको सोने की मछली प्राप्त हुई। स मत्स्य नरभाव्याम अवदत। वह जो सोने की मछली थी वह मनुष्य के भांति आवाज़ निकालती थी और वह बोलती थी, अरे मत्स्य जीवी अहम समुद्र राजकन्या। अरे उसने बोली, अरे मछली को पकड़ने वाले, मैं समुद्र की राज कन्या बोल रही, समुद्र के राजा की पुत्री हूँ। यदि तुम माँ त्यक्षसी तही तबाहम मनोविल विलासम पूरयस्यामी। यदि अगर तुम्हें बड़ी कोई इच्छा है तो तुम्हारी मनोकामना को मैं जरूर पूरा करूँगा, जरूर पूरा करूँगी। हमने चैप्टर देखा कि चैप्टर कितना अच्छा था। मैं एक बार और आपको ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती यहाँ तक कि प्राचीन काल के पुराने समय में समुद्र के किनारे एक मत्स्य ने मछली को पकड़ने वाले बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, वृद्ध व्यक्ति या बूढ़ी ले और महिला रहती थी। वो बूढ़ा जो व्यक्ति था बहुत दयालु था, अच्छा था, वो जाता था शाम के समय, परंतु जो बूढ़ी महिला थी वो लालची थी, वो शाम के समय या सुबह के समय जाता था, जाल बिछाता था और उसमें मछली पकड़ के लाता था। उसके द्वारा जो भी उसको प्राप्त होता था उससे उन लोग पालन पोषण किया करते थे। एक बार उसकी इच्छा हुई और उसने निवेदन किया कि मैं इस कार्य को छोड़ दूंगा, मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, मैं दूसरा कार्य करूँगा। परंतु जो उसकी पत्नी थी वह कलह करने लगी, लड़ाई झगड़ा करने कर लगी, जिसके कारण से वो चुपचाप गया। और एक बार गया तो उसने जैसा जाल फेंका प्रयत्न किया, परंतु उसको एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरी बार भगवान का नाम याद किया और उस कन्या दूसरी बार भगवान का याद करते हुए उस जाल को फेंका तो उसने उसको सोने की मछली पकड़ आई। मछली पकड़ाने के बाद में उसने सोने की जो मछली थी वो मनुष्य की तरह बोलती थी, मनुष्य की तरह बोली और बोली कि हे मत्स्य जीवी, हे मछली को पकड़ने वाले व्यक्ति, मैं समुद्र के राजा की कन्या हूँ। यदि अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसे अवश्य मांगो मुझसे, मैं जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगी। आज बेटा हमने इतने किया इस वीडियो में, इसके बाद में नेक्स्ट हम सेकेंड वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना, ओके बेटा, गुड बाय।